दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत के करीब करीब सभी राज्यों में लोग शीतलहर से परेशान हैं। ठंड के साथ कोहरा भी मुसीबत बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। ठंड के ठिठुरन ने पिछले 36 घंटे में 72 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है और अगले 72 घंटे तक इसमें कमी के आसार नहीं है। पहाड़ बर्फ से ढके हैं, मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर फैली है। बर्फबारी से कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड कांप रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली समेत 7 राज्यों में शीतलहर से लोग बेहद परेशान हैं। कुदरत के व्हाइट अटैक से हर तरफ सिर्फ सफेद चादर नजर आ रही है, न सड़क नजर आ रही है न मकान। लेह और करगिल में तो ठंड खून जमा देने वाली है। लद्दाख इलाके का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कट चुका है। लेह में पारा लुढ़ककर -15 डिग्री तक पहुंच गया है। इलाके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रात को तो हमारे यहाँ माइनस में भी जाता है। यहाँ ठंडी में बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली पानी को लेके। नदियों में पानी कम हो रहा है ठंड की वजह से। अभी लद्दाख में आप खुद देख रहे हो, मैं मेन मार्केट में लगता गिने चिने कुछ दुकानों खुले हैं और कुछ बहुत यहाँ दिख ही नहीं रहा। आप सब अंदर में बुखारी लगा के बस बैठे हुए सब। इलाके में रात के वक्त पारा और नीचे लुढ़क जाता है और पानी को इस्तेमाल करने के लिए उसे कम से कम आधा घंटा उबालना होता है। ये तस्वीरें लेह की हैं। यहाँ बहने वाली पहाड़ी नदियों में अब बर्फ के टुकड़े बहकर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऊपरी इलाके में पूरी नदी ही जम चुकी है। घाटी के ज्यादातर हिस्सों में रात का तापमान 0 से नीचे पहुंच जा रहा है। बीती रात घाटी में मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम, गुलमर्ग और दूसरे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी और बारिश होने के चलते ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी और बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बंद है। बर्फबारी के बाद प्रशासन ने राज्य के सभी स्कूलों को 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। पूरी कश्मीर घाटी में अगर ठंड का कहर दिख रहा है, तो वहीं इस ठंड में अपनी जिंदगी को लोग अपने अपने अंदाज में जी रहे हैं। श्रीनगर में एक तरफ बर्फबारी ने आम लोगों की जिंदगी को थाम दिया है, तो वे राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए फुटबॉल क्लब में शामिल युवा फुटबॉल के जरिए इस सर्द मौसम को जी रहे हैं। श्रीनगर में इन दिनों विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। काफी ठंड के बावजूद भी नौजवान टूर्नामेंट का हिस्सा ले रहे हैं। मुझे लगता है एक एज रहता है हमारा, क्योंकि मौसम जितना सर्द हो प्लेयर ज्यादा प्रैक्टिस कर पाता है, तो विंटर फुटबॉल का फुटबॉल को लेकर अगर मैं कहूँ तो बहुत अहम रोल है। अब तक बर्फबारी और दूसरी वजहों से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता था। इसे ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने सर्द मौसम में आर्टिफिशियल टर्फ पर ही टूर्नामेंट का आयोजन किया है, ताकि खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर ना हो सके। ये पहली बार हुआ है कि विंटर्स में अलग एक्सपीरियंस है खेलने का, ऐसे टूर्नामेंट निकलने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फुटबॉल एसोसिएशन से कि कंटिन्यू रखना चाहिए टूर्नामेंट ऐसे। अभी एक ही ग्राउंड अलाउड हुआ है सिंथेटिक टर्फ, आगे आइंदा 1-2-4 होने चाहिए और जिसमें कि कंटिन्यू कश्मीर में, कि कश्मीर भी आगे जाए। माँ वैष्णो देवी के दरबार में भी बर्फबारी लगातार जारी है। त्रिकुटा पर्वत की घाटियों पर बर्फबारी ज्यादा देखने को मिल रही है। बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं में खास उत्साह दिख रहा है। माता के दर्शन करने आ रहे लोग इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। नए साल में पहली बार हुई बर्फबारी से लोग इसका मजा उठा रहे हैं और माता के जयकारे भी लगा रहे हैं। केदारनाथ धाम पूरी तरह बर्फ में ढक चुका है। लगातार जारी बर्फबारी की वजह से हर तरफ बर्फ की मोटी चादर दिख रही है। केदारनाथ धाम में करीब 8 इंच नई बर्फ जम चुकी है। हालात यह है कि केदार घाटी में जहां भी काम चल रहा है वो पूरी तरह रोक दिया गया है। ये ठीक केदारनाथ मंदिर के पास की तस्वीरें हैं। खराब मौसम की वजह से यहाँ चल रहे पुनर्निर्माण कार्य को भी रोकना पड़ा है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और यहाँ पारा 0 से नीचे पहुँच गया है। शिमला के लोगों को बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन यहाँ ठंड कड़ाके की पड़ रही है। बर्फबारी देखने के लिए टूरिस्ट बड़ी तादाद में शिमला पहुँच रहे हैं। यहाँ भी पारा लगातार नीचे लुढ़क रहा है। शिमला समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में दिन के वक्त कंपकंपा देने वाली ठंड पड़ती है, तो रात में तापमान और नीचे गिर जाता है। शिमला में पारा -2 डिग्री के आसपास है। शिमला में सूखी ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है कि यहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा है। हम फिर आग जलाते हैं, सुबह ही आग जला लेते हैं आगे और शाम तक आग सेक के फिर घर चले जाते हैं वापस। अगर बारिश में अगर थोड़ा भी करेगा दुकानों में, अगर 3-3-4-4 दुकान में 1 मीटर दे दे तो सबसे बेस्ट है।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊपरी इलाकों में काफी बर्फ पड़ चुकी है। हाँ, पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में बारिश और स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू का एरिया, जिसमें वहाँ पे हल्का जो 1 से 2 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया, कुछ एक जगह बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जिससे तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई। जो बिजली कट जाने की वजह से ठंड के इस मौसम में लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। ऐसे में गर्माहट बरकरार रखने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। टूरिस्ट की पसंदीदा जगह हिमाचल प्रदेश के मनाली में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मनाली में तापमान -4 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। ताजा बर्फबारी ने इलाके में ठंड और बढ़ा दी है। सोलंग, नाला और कोठी में हुई बर्फबारी से यहां पर टूरिस्ट बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इस बीच 5 दिनों तक चला मनाली विंटर कार्निवल भी खत्म हो गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के औली की हैं। देश के कई हिस्सों में भले ही लगातार बर्फबारी हो रही हो, लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल स्नोफॉल तैयार की गई है। दरअसल ये तैयारी विंटर गेम्स को लेकर की गई है। औली में 15 जनवरी से फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कीइंग रेस होनी है। ऐसे में इसके लिए टेक्निकल टीम औली के स्लोप पर फिक्स्ड और पोर्टेबल स्नो गन से आर्टिफिशियल स्नोफॉल करा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और लगातार गिरते तापमान का असर देश के मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में भी लोग ठिठुर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यूपी और बिहार समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में लोग ठंड से बेहाल हैं। दिल्ली में सुबह लगातार सर्द होती जा रही है। ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने भी राजधानी में जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दिया है। यहाँ रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल भी कोहरे के बीच की जा रही है। वहीं दिल्ली के करीब के इलाके में भी कोहरा लगातार घना होता जा रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ठंड बहुत बिकट ठंड है, ठंड से लोग बाहर डर रहे हैं। और ठंड में यही कि अपने जो कपड़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। भाग तो 4-5 दिन से बहुत तेज है। डबल स्वेटर जैकेट पहन के किसी तरह फिर भी हाथ में कंपन सी हो रही है, ऑटो चलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में भी तापमान 10 डिग्री से कम है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। कई शहरों में ठंड से बचाव के इंतजाम ठीक न होने पर लोगों में गुस्सा भी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तरह की ठंड आने वाले 4-5 दिन और रह सकती है, उसके बाद ही तापमान से राहत मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।